हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक ग्रेड बी द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो टुडे वी विल डिस्कस प्रोसेस कॉस्टिंग। सो कंटेंट ऑफ द स्लाइड्स आर मीनिंग ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, नंबर टू एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, नंबर थ्री फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, नंबर फोर नॉर्मल एंड अबनॉर्मल प्रोसेस लॉस, नंबर फाइव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल प्रोसेस लॉस, नंबर सिक्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस, नंबर सेवन एबनॉर्मल गेन और इफेक्टिवनेस, नंबर एट जॉइंट प्रोडक्ट्स, नंबर नाइन बाय प्रोडक्ट्स, नंबर टेन डिस्टिंक्शन बिटवीन जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो इन द फर्स्ट स्लाइड वी विल नो व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद इट्स डेफिनेशन। So, process cost accounts are applied to concern which produce a commodity that has to go through several processes and which requires to know the cost of each process. So, process costs are applied to concerns which produce a commodity that has to go through several processes. मतलब process costing वहाँ पर apply होती है जहाँ पे किसी product को बनाने के लिए उस raw material को सेवरल प्रोसेसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, एंड विच रिक्वायर्स टू नो द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस, और जहाँ पर ज़रूरी है हर एक प्रोसेस में हमारी कितनी कॉस्ट खर्च हुई वो पता लगाना। तो हम इसकी दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ते हैं एक बार ताकि आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ ईच स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर। ओके, दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज टू असर्टेन द कॉस्ट। मतलब कॉस्ट को हम पता लगाते हैं एट ईच स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर, मतलब हर स्टेज पे हमारी कितनी कॉस्ट खर्च हुई। वेयर मटेरियल इज पास थ्रू वेरियस ऑपरेशन टू ऑब्टेन अ फाइनल प्रोडक्ट। सो जब हमारा रॉ मटेरियल पास हुआ वेरियस ऑपरेशंस के थ्रू और वो बना एक फाइनल प्रोडक्ट विद बाय प्रोडक्ट्स इन मैनी केसेज एट डिफरेंट स्टेजेस। इसके अंदर क्या होता है, बाय प्रोडक्ट्स या जॉइंट प्रोडक्ट्स भी हमारे साथ साथ बनते रहते हैं। सपोज आपने एक रॉ मटेरियल डाला, रॉ मटेरियल ए, उसके बाद आपने उसको प्रोसेस वन में लेके गए, फिर प्रोसेस टू में, फिर प्रोसेस थ्री में, एंड फाइनली वो फिनिश गुड्स में बदल गया। तो हर एक प्रोसेस में सपोज प्रोसेस वन में कितनी कॉस्ट लगी, प्रोसेस टू में कितनी कॉस्ट लगी, प्रोसेस थ्री में कितनी कॉस्ट लगी, तो यही है प्रोसेस कॉस्टिंग कि हमारी हर एक प्रोसेस में कितनी कॉस्ट खर्च हो रही है। So now application of process costing. Process costing is employed in the following type of industries. इसका क्या मतलब है कि process costing किन किन जगहों पर apply किया जाता है। So number one is food process industries. Example flour mills, meat products, milk dairies, confectionaries, fruit and vegetable processing etc. मतलब जहाँ पर food processing की industries हैं वहाँ पर हम process costing को apply करते हैं। Other industries involving a sequence of processes, that is paper mills, cement works, coke works, canning factories, textile manufacture, cartoon making etc. और इन सारी industries में जो मैंने आपको example में दी है। Metallurgical industries, example iron and steel, aluminium, वायर ड्राइंग एंड नेटिंग एंड पॉलिशिंग, अलॉय प्रोडक्शन एट्सेट्रा। इन सारी जगहों पे भी हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ की जाती है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो काफ़ी सारी प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के बाद बनता है। केमिकल इंडस्ट्रीज एग्जांपल ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, पेंट्स, सोप मेकिंग, प्रोडक्शन ऑफ शुगर, मोलासेस एंड एल्कोहल, ब्रियोरीज, डिस्टिलरीज, ऑयल रिफाइनिंग एट्सेट्रा। तो इन सारी इंडस्ट्री में प्रोसेस कॉस्टिंग यूज की जाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। नंबर वन द कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस्ड इज एवरेज कॉस्ट विच इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल प्रोसेस कॉस्ट बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अब इसका क्या मतलब है, सपोज हमारा एक प्रोसेस है रिफाइनिंग का,
तो हमारी रिफाइनिंग के अंदर टोटल कितना खर्चा आया उसको हम डिवाइड करेंगे, हमने कितनी यूनिट्स उसके अंदर प्रोड्यूस करी हैं। तो जब हम उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से कि हमारा कितना खर्चा हुआ है, तो हमारी पर यूनिट की प्रोसेस कॉस्ट आ जाएगी कि हमने इस प्रोसेस में एक यूनिट पे इतने पैसे खर्च करे। नंबर टू, सम लॉस ऑफ मटेरियल्स इन प्रोसेस दैट इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन इवेपोरेशन इज अनअवॉइडेबल। कुछ लॉस ऐसा होता है जो अनअवॉइडेबल होता है। सपोज हम एक केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो कुछ यूनिट जो हैं उसकी केमिकल की, या कुछ मैं कहूँ कुछ लीटर्स या कुछ जो भी उसकी हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है वो अनअवॉइडेबल होती है, क्योंकि अगर हम केमिकल रिएक्शन करेंगे तो हमारा कुछ केमिकल जो है इवेपोरेट होगा ही होगा, तो वो हमारा अनअवॉइडेबल लॉस है। द प्रोडक्शन इज कॉन्टीन्यूअस, मतलब प्रोडक्शन जो है चलती रहेगी, एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज द रिजल्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस। जो हमारी प्रोडक्शन है वो लगातार चलती रहेगी और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो काफ़ी सारी प्रोसेसेस का ही आउटकम होगा। मतलब सपोज हमने एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए चार प्रोसेसेस में उसको हमने डाला, तो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो चार प्रोसेसेस का रिजल्ट होगा। प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल मे गिव राइज टू द प्रोडक्शन ऑफ सेवरल प्रोडक्ट। मतलब हमने कुछ रॉ मटेरियल डाला, हमने उस पर हम उसको प्रोसेसिंग में लेके गए। अब इससे क्या हो सकता है कि इस चीज़ से भी कुछ प्रोडक्ट्स हमारे एक्स्ट्रा बन सकते हैं। दीज सेवरल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम रॉ मटेरियल मे बी टर्म्ड एज जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स। और ये प्रोडक्ट्स जो बनते हैं किसी प्रोसेस के बाद या प्रोसेस के साथ साथ ही, हम इसे या तो जॉइंट प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं या बाय प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं। अब जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स क्या है ये हम आपको आगे समझाएंगे डिटेल में। सो नंबर फाइव इज द प्रोडक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज एंड होमोजीनियस। प्रोडक्ट्स जो हैं एक तरीके के हैं और सारे होमोजीनियस इन नेचर हैं। नंबर सिक्स, कॉस्ट आर अक्यूमुलेटेड प्रोसेस वाइज। मतलब हर एक प्रोसेस में कितनी कॉस्ट लगी हम उसको एक्यूमुलेट करते हैं, मतलब उसको सम अप करते हैं। द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन और प्रोसेस इज स्पेसिफाइड स्पेसिफिक एंड प्री डिटर्मिन। मतलब हमें कौन सी प्रोसेस को पहले करना है और कौन सी प्रोसेस को बाद करना है ये पहले से ही स्पेसिफिक होता है और प्री डिटर्मिन होता है। मतलब हमें पहले से ही पता है कि हमें कौन सी प्रोसेस को परफॉर्म करना है। नंबर एट, द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ ईच बट लास्ट प्रोसेस बिकम्स द रॉ मटेरियल फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस इन सीक्वेंस। इसका क्या मतलब है? रॉ मटेरियल के बाद जो हमने एक प्रोसेस करी, सपोज हमने यहाँ तक प्रोसेस में हमने अपने गुड्स को डाला, अब इसका जो आउटकम है वो इसका इनपुट हो गया। एंड सेम हमने इस वाली प्रोसेस को कंप्लीट करा, अब इसका जो आउटकम है वो इसका इनपुट हो गया। फिर हमने इस प्रोसेस को कंप्लीट करा, फिर इसका जो आउटकम है वो इसका इनपुट हो गया। सो हम इसको पढ़ते हैं, द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ ईच बट लास्ट प्रोसेस बिकम्स द रॉ मटेरियल दैट इज इनपुट फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस इन द सीक्वेंस and that of last process is transferred to the finished goods stock account। और जो हमारा final में product बना हम उसको क्या कहते हैं हम finished goods stock, मतलब हमारा stock बन के तैयार है। So the next is normal and abnormal process loss। मतलब हमारा एक process में कुछ loss हुआ, अब हम उसको देखेंगे कि वो normal है या abnormal है। नॉर्मल लॉस आप सबको पता है और अबनॉर्मल लॉस भी आप सबको पता है कि क्या होता है। सो हम इसकी एक बार रीडिंग करते हैं। दैट अमाउंट ऑफ लॉस विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, मतलब अनअवॉइडेबल लॉस है वो हमारा नॉर्मल लॉस होता है। बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ मटीरियल और प्रोसेस इज अ नॉर्मल प्रोसेस लॉस। जैसा कि अगर हम केमिकल रिएक्शन करेंगे जो भी केमिकल इवेपोरेट होगा वो अनअवॉइडेबल लॉस है उसके नेचर ऑफ मटेरियल की वजह से, क्योंकि केमिकल तो इवेपोरेट होता ही होता है। सच अ लॉस इज क्वाइट एक्सपेक्टेड अंडर नॉर्मल कंडीशन। मतलब हमें पहले से ही पता है कि ये लॉस जो है नॉर्मल कंडीशंस में होगा ही होगा। इट इज़ कॉज बाय फैक्टर लाइक केमिकल चेंज। सपोज हमने कुछ केमिकल रिएक्ट किया, हमने केमिकल ए में केमिकल बी मिलाया तो उससे हमारा थोड़ा सा केमिकल इवेपोरेट हो गया। ठीक है, सो हम पढ़ते हैं
abnormal loss. This type of loss consists of loss due to carelessness, machine breakdown, accident, use of defective material, etc. अब ये लॉस किन तरीकों से हो सकता है, या तो हमारे किसी फोरमैन की केयरलेसनेस की वजह से, या फिर हमारी मशीन ख़राब हो गई तो उसने सारे प्रोसेस को ख़राब कर दिया, या फिर एक्सीडेंट हो गया, या फिर हमने मटेरियल ही जो है उसको डिफेक्टिव यूज़ कर लिया. दस इन केसेस ड्यू टू अबनॉर्मल फैक्टर्स इट रिप्रेजेंट्स अ लॉस विच इज़ ओवर एंड अबव द नॉर्मल लॉस. ये ऐसा लॉस है जो नॉर्मल लॉस के आगे हुआ है. मतलब सपोज़ हम ये मानते हैं कि हमारा 10% का जो है नॉर्मल लॉस है, पर अगर हमारा लॉस 20 या 30 या 40% हो गया, तो 10% के ऊपर जितना भी हमारा लॉस हुआ हम उसको कहते हैं अबनॉर्मल लॉस. सो नाउ व्हाट इज़ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल प्रोसेस लॉस. सो लेट्स डिस्कस. It is a fundamental costing principle that cost of normal losses should be borne by the good production. मतलब जितना भी हमारा normal loss है वो हमारा cost की product में add होगा. Normal losses is generally determined as a percentage of input. Normal loss कैसे पता लगाते हैं? As a percentage of input. Suppose हमने 100 units का input डाला तो हमें लगता है कि हमारा 2% इस process में lost होगा ही होगा. तो मतलब हमारा 98 जो है हम टोटल यूनिट्स उससे बना पाएंगे. तो ये है हमारा नॉर्मल लॉस. समटाइम्स सच अ लॉस इज ड्यू टू वेट, से ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. ये मैंने आपको पहले भी बताया. सिंस सच अ वेस्टेज इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट, ऑब्वियसली इट कैन नॉट हैव एनी वैल्यू. सपोज आपने केमिकल बनाया और वो इवेपोरेट हो गया, अब तो वो उसकी कुछ फिजिकल में प्रेजेंस नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होगी. हाउएवर व्हेन नॉर्मल लॉस इज फिजिकली प्रेजेंट, सपोज आपका जो नॉर्मल लॉस है वो फिजिकली प्रेजेंट है, सपोज स्क्रैप की वैल्यू में, इन द फॉर्म ऑफ स्क्रैप, इट मे हैव सम वैल्यू. मतलब उसकी कुछ वैल्यू होती है, दैट इज इट मे बी सोल्ड एट अ सम प्राइस. मतलब आप उसको कुछ कम दाम पे बेच सकते हैं. व्हेन एवर स्क्रैप मटीरियल हैज एनी वैल्यू इट इज क्रेडिटेड टू द प्रोसेस अकाउंट. सपोज आप पेपर का बिजनेस कर रहे हैं और आपका कुछ पेपर का जो है लॉस नॉर्मल है, पर जो लॉस है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है इन द फॉर्म ऑफ स्क्रैप. मतलब आप उसको कुछ ना कुछ उससे रियलाइज कर सकते हो. तो इससे क्या होता है, हमारी प्रोसेस की कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि हमारा रियलाइजेशन कुछ अमाउंट का हो जाता है. नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अबनॉर्मल प्रोसेस लॉस. It is been stated that abnormal loss is due to carelessness, accidents, machine breakdown and other abnormal reasons. Okay, ये सब आपको पता है. Unlike normal loss, abnormal loss is not absorbed by good production. मतलब जो भी हमारा normal abnormal loss है उसको हम product की cost में add नहीं कर सकते. Rather, it is transferred to costing profit and loss account. मतलब इसको हम transfer कहाँ करते हैं? Costing profit and loss account में. This is because if the cost of abnormal loss were to fall upon the good production, the cost will fluctuate and the information provided would be misleading. अगर हमने suppose जो हमारा abnormal loss है हमने उसको भी प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट में, तो हमारा जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो बार बार अलग आएगी, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस तो ऐसा नहीं है कि हर बार सेम होगा या हर बार इक्वल होगा, तो इसलिए हम उसको कभी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड बैक नहीं करते. इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस एंड ऑल्सो टू डिस्क्लोज द कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल लॉस द फॉलोइंग प्रोसीजर मे बी अडॉप्टेड. सो हम प्रोसेस पढ़ते हैं. नंबर वन, allow for normal loss in the manner described earlier. मतलब हमको पहले ये पता लगाना है कि हमारा normal loss कितना होना है, तो हम उसके लिए provide कर लेंगे. Number B, after considering the normal loss, find out the cost per unit of that process. मतलब suppose आपने process 1 के अंदर 100 units of raw material डाला, आपको पता है कि आपका 2% जो है loss होगा ही होगा. एंड सपोज उस प्रोसेस की कॉस्ट आई 9800 रुपीज़,
तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी, 9800 डिवाइडेड बाय 100 माइनस नॉर्मल लॉस दैट इज 2%, दैट इज 98 यूनिट्स। तो 100 रुपीस आपकी कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट ऑफ दैट प्रोसेस। दिस इज डन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट माइनस वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू यूनिट इंट्रोड्यूस्ड माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। अब मैं आपको इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आपकी कॉस्ट लगी 10,000, बट आपको पता है कि आप इसमें से जो आपका नॉर्मल लॉस है उसकी आप रियलाइज करके आप उसमें से 200 एक सेकेंड सॉरी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस एग्जांपल को। सपोज आपकी कॉस्ट है 10,000, आपको पता है आप इसमें से 2,000 रुपीस रियलाइज कर लोगे तो आपकी नेट कॉस्ट कितनी हो गई 8,000, पर आपने इसके अंदर डाले थे सपोज 100 यूनिट्स और जो आपकी नॉर्मल यूनिट्स का लॉस है वो है सपोज 20, दैट इज 20%। तो आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10,000 माइनस 2,000 दैट इज 8,000 अपॉन 80 दैट इज 100 रुपीज पर यूनिट आपकी कॉस्ट आ जाएगी उस प्रोसेस की। तो इसी को हमने फॉर्मूले के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो फॉर्मूला, क्योंकि ये बहुत इजी है और सिंपल है और आपके एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आई विल रिपीट द फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट माइनस वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस दैट इज 10,000 माइनस 2,000 जो कि है आपकी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट दैट इज 100 यूनिट्स माइनस 20 यूनिट्स। आप जब इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे आपस में तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ दैट प्रोसेस आराम से निकल के आ जाएगी। एंड नाउ अबनॉर्मल गेन और अफेक्टिवनेस, जैसा कि हमारा एबनॉर्मल लॉस होता है वैसे ही कभी कभार हमारा एबनॉर्मल गेन भी हो जाता है। द नॉर्मल प्रोसेस लॉस रिप्रेजेंट्स द लॉस दैट वुड बी एक्सपेक्टेड अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ये सब आपको पता है। इट इज़ एन एस्टिमेटेड फिगर, ये हमारी फिगर जो है एस्टिमेशन के द्वारा हमने इसको डिराइव किया होता है। द एक्चुअल लॉस मे बी ग्रेटर और मे बी लेस देन द नॉर्मल लॉस। सपोज आपने एस्टिमेट किया कि आपका 10% का है नॉर्मल लॉस, पर एक्चुअल में हमारी जो नॉर्मल एक्चुअल लॉस हुआ वो हुआ मे बी 8%, 6%, मे बी 15%, मे बी 20%। तो हमारा इसके अंदर एस्टिमेशंस के साथ डिविएशंस आ सकता है। इफ एक्चुअल लॉस इज ग्रेटर देन नॉर्मल लॉस इट इज़ नोन एज एबनॉर्मल लॉस। जब हमारा एक्चुअल लॉस जो है हमारे नॉर्मल लॉस से ज़्यादा है, सपोज हमने 8% सोचा था पर हमारा जो लॉस हुआ वो हुआ 10%, तो जो 2% है इसको हम कहेंगे अबनॉर्मल लॉस। सो ओके, बट इफ एक्चुअल लॉस इज लेस देन नॉर्मल लॉस अगेन इज ऑब्टेन्ड विच इज टर्म्ड एज एबनॉर्मल गेन और इफेक्टिवनेस। सपोज आपने सोचा था कि आपका 10% का जो है नॉर्मल लॉस होगा पर एक्चुअल में आपका सिर्फ 4% का ही लॉस होता है, तो 6% जो है आपका वो हो जाएगा आपका अबनॉर्मल गेन या फिर इफेक्टिवनेस। ये किस वजह से हो सकता है, सपोज आपने काम को बहुत अच्छे से किया, आपने जो रॉ मटेरियल है बिल्कुल परफेक्ट क्वालिटी का यूज़ किया, आपने कोई केयरलेसनेस नहीं की, आपका सुपरवाइज़र काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहा था चीज़ों को, आपकी मशीन भी ब्रेक डाउन नहीं हुई, आपकी मशीन जो है एकदम स्मूथली और अच्छे से काम कर रही थी, तो इसलिए आपका एबनॉर्मल गेन हो गया। द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन इज कैलकुलेटेड इन अ मैनर सिमिलर टू एबनॉर्मल लॉस, इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द एबनॉर्मल गेन अकाउंट। इसका क्या मतलब है, जो एबनॉर्मल लॉस होता है वो हमारा हमेशा कॉस्टिंग पीएनएल में डेबिट होता है, पर जो हमारा एबनॉर्मल गेन है वो कॉस्टिंग पीएनएल में हमेशा क्रेडिट हो जाएगा। लॉस डेबिट होता है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो कोई भी एबनॉर्मल गेन है या कोई भी इफेक्टिवनेस है वो हमारी क्रेडिट हो जाएगी कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में। लाइक एबनॉर्मल लॉस इट इज अल्टीमेटली ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है
कि एबनॉर्मल लॉस को कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है और एबनॉर्मल गेन को कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, सो प्लीज़ आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। एंड नाउ जॉइंट प्रोडक्ट्स, व्हाट इज जॉइंट प्रोडक्ट्स? द टर्म जॉइंट प्रोडक्ट्स आर यूज फॉर टू और मोर प्रोडक्ट्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल इकोनॉमिक वैल्यू विच आर साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड द सेम रॉ मटीरियल। जॉइंट प्रोडक्ट्स क्या हैं? दो या दो से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी की इकोनॉमिक वैल्यू बिल्कुल सेम है और जो कि प्रोड्यूस होते हैं साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब सेम प्रोसेस से ही हम उसको मैन्युफैक्चरिंग कर पाते हैं एंड फ्रॉम द सेम मटेरियल आल्सो। मतलब ऐसा नहीं है कि दो से ज़्यादा हमें जॉइंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल को यूज़ करना पड़े, एक ही मटेरियल से ही जो हमारे टू और मोर प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो हमारे जॉइंट प्रोडक्ट्स होते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट्स थस रिप्रेजेंट्स टू और मोर प्रोडक्ट सेपरेटेड इन द कोर्स ऑफ प्रोसेसिंग, ईच प्रोडक्ट बींग इन सच प्रपोर्शन एज द मेन प्रोडक्ट। सपोज आपने 100 यूनिट्स रॉ मटेरियल एक्स की डाली पर इससे आपका एक जॉइंट प्रोडक्ट बाहर आया, सपोज आपका 20 यूनिट्स एक मटेरियल ए की बन गई और 20 यूनिट्स मटेरियल बी की बन गई, तो ये हमारे जॉइंट प्रोडक्ट्स होते हैं। अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जब पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाएगा कि जॉइंट प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। जॉइंट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम रॉ मटेरियल, मतलब सेम रॉ मटेरियल से ही बनाए जाते हैं बाय नेचुरल प्रोपोर्शन एंड बाय नेचुरल प्रोपोर्शन दे आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली बाय अ कॉमन प्रोसेस, मतलब एक ही प्रोसेस से हमारे जॉइंट प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं। दे आर कंपेरेटिवली ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यू और इनकी जो वैल्यू भी है वो सेम होती है। जॉइंट प्रोडक्ट्स मे बी सेलेबल आफ्टर सेपरेशंस और मे बी फर्दर प्रोसेस्ड बाय इंकरिंग एडिशनल कॉस्ट टू मेक देम स्टेबल एंड और फॉर एन इम्प्रूव प्रोडक्ट। कभी कभार क्या होता है, जो हमारा जॉइंट प्रोडक्ट निकलता है हम उसको एज इट इज़ जो है मार्केट में सेल कर सकते हैं, वो सेलेबल कंडीशन में ही होता है। बट कभी कभार क्या होता है, हमें जो हमारा जॉइंट प्रोडक्ट है उसको फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है ताकि हम उसको सेलेबल कंडीशन में ला पाएँ। अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स एज गिवन अबव इज़ फाउंड इन ऑयल रिफाइनिंग वेयर आइटम्स लाइक पेट्रोल डीजल नाफ्टा केरोसिन एट्सेट्रा आर प्रोड्यूस फ्रॉम द क्रूड ऑयल। सपोज हमारा जो इनपुट है वो क्रूड ऑयल है, अब हम उसको जब प्रोसेस करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा पेट्रोल भी बनता है, हमारा केरोसिन भी बनता है, हमारा डीजल भी बन जाता है, हमारा नाफ्टा भी बन जाता है। तो ये सारे ही एग्जाम्पल्स हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स के। अदर एग्जाम्पल्स आर इन फ्लोर मिल वेयर जॉइंट प्रोडक्ट्स आर हाइड्स कैंड मीट फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा। द जॉइंट प्रोडक्ट इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब वेरियस क्वालिटीज ऑफ द सेम प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैनी ग्रेड्स ऑफ कोल विच मे बी प्रोड्यूस इन कोयल माइनिंग। सपोज हम कोल माइनिंग का बिजनेस कर रहे हैं, हमने उससे कोल को माइन किया, तो सपोज हर एक कोल की डिफरेंट वैल्यू होती है, कोई कोल डायमंड जितनी वैल्यू भी रख सकता है और कोई कोल सिर्फ नॉर्मल कोल की जितनी वैल्यू भी रख सकता है। तो ये है हमारा एग्जाम्पल सम जॉइंट प्रोडक्ट्स के। अब आपको इस शीट में एग्जाम्पल दिखेंगे कि किस इंडस्ट्री में और कौन कौन से जॉइंट प्रोडक्ट्स निकलते हैं। ऑयल रिफाइनिंग, मैंने आपको पहले ही बताया ऑयल रिफाइनिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, पेट्रोल डीजल केरोसिन ग्रीस ल्यूब्रिकेंट एट्सेट्रा। मतलब अगर हम ऑयल को रिफाइन कर रहे हैं तो इससे हम इतने सारे जॉइंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। डेयरी के बिजनेस में सपोज आपने मिल्क को किया तो आप इससे क्या क्या कर सकते हैं, मिल्क को प्रोसेस करके उससे आप स्किम्ड मिल्क बना सकते हैं, बटर मिल्क बना सकते हैं, एज द केस में भी क्रीम बना सकते हैं। मीट प्रोसेसिंग से क्या होता है, हम मीट बना सकते हैं, हाइड्स बना सकते हैं। और माइनिंग से क्या हो सकता है, हम एक ही जगह को माइन करें और हमने उसमें कॉपर ढूंढा, मतलब हमने कॉपर को प्रोड्यूस किया, सिल्वर को प्रोड्यूस किया, जिंक को प्रोड्यूस किया। बट ऐसा हो सकता है कि कॉपर सिल्वर तो हमने जो हमारा जॉइंट प्रोडक्ट बना पर हमने उसको फर्दर प्रोसेसिंग में डाला ताकि हम उसको सेलेबल कंडीशन तक ला पाएँ। तो यही हमारा मतलब है जॉइंट प्रोडक्ट्स का। आई होप आपको एग्जाम्पल से काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। नाउ बाय प्रोडक्ट्स,
By products are products of relatively small value, which are incidentally and unavoidably produced in the course of manufacturing the main product. Sorry, a line repeat ho gayi hai. Please ignore that. By products kya hain? काफ़ी स्मॉल वैल्यू के प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंसिडेंटली और अनअवॉइडेबली प्रोड्यूस हो जाते हैं इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेन प्रोडक्ट. मतलब हम मेन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते करते ही कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट्स हमारे ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये इंसिडेंटल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन शुगर मिल्स द मेन प्रोडक्ट इज शुगर. आपको भी पता है ये बात, अगर हम शुगर मिल में काम कर रहे हैं तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट क्या है वो है शुगर. बट gases and molasses of comparatively smaller value are incidentally produced and thus are byproduct. तो जब हम sugar cane को manufacture करते हैं, suppose हमने sugar cane को processing में डाला, तो उससे क्या होता है, हमारी sugar जो बनी वो तो हमारा है main product, but उससे जो हमने molasses produce किया जो कि बहुत small quantity का है या small value का है, वो हमारा हो गया बाय प्रोडक्ट. अदर एग्जांपल्स ऑफ बाय प्रोडक्ट आर ऑयल केक प्रोड्यूस इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एडिबल ऑयल, कॉटन सीड प्रोड्यूस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. दीज बाय प्रोडक्ट्स आर अनअवॉइडेबली प्रोड्यूस्ड एंड आर ऑफ सेकेंडरी वैल्यू. मतलब जो हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट है वो है हमारा मेन प्रोडक्ट, दैट इज शुगर. द सेल्स वैल्यू ऑफ दीज बाय प्रोडक्ट्स इज मच लेस एज कम्पेयर टू द मेन प्रोडक्ट. अब ऑब्वियसली बात है, अगर हम शुगर इंडस्ट्री शुगर केन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब शुगर केन को हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो हमारा जो मोलेसेस की वैल्यू है वो काफ़ी कम होगी एज कम्पेयर टू द शुगर. फॉर एग्जाम्पल सेल्स वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट एंड मोलेसेस बायोगैस इज मच लेस देन मेन प्रोडक्ट, दैट इज शुगर. बाय प्रोडक्ट में भी नंबर वन दो सोल्ड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग. अब बाय प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं? एक बाय प्रोडक्ट वो होता है जिसको हम बिना कुछ आगे प्रोसेस किए ही बेच सकते हैं. और एक बाय प्रोडक्ट कैसे हो सकते हैं? जिसको हमें फर्दर प्रोसेस करना पड़े. सो इन शुगर इंडस्ट्रीज द जॉइंट प्रोडक्ट्स सॉरी द बाय प्रोडक्ट इज मोलेसेस, बटर टेक्सटाइल, कॉटन सीड, एडिबल ऑयल में ऑयल केक, मीट में बोन्स क्योंकि हम बोन्स भी सेल करते हैं एज डॉग फूड, राइस मिल्स में हस्क, मतलब हस्क क्या होता है, जो हम गाय या अपनी बफेलोस को खाना डालते हैं वो होता है हस्क. तो राइस से जो हमारा बाय प्रोडक्ट होता है वो होता है हस्क. एंड नाउ डिस्टिंक्शन बिटवीन जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स. जॉइंट प्रोडक्ट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इक्वल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, वाइल बाय प्रोडक्ट्स आर ऑफ लेसर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. जो हमारे जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो इक्वल होती है, बट जो हमारा बाय प्रोडक्ट है वो काफ़ी ही स्मॉल वैल्यू में होता है एज कम्पेयर टू द मेन प्रोडक्ट. जॉइंट प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम इनपुट एंड प्रोसेस, वेयर एज बाय प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेस्टेज, स्क्रैप एंड डिस्कार्डेड मटीरियल ऑफ द मेन प्रोसेस. जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है? सेम इनपुट एंड सेम प्रोसेस से ही बनता है, जबकि बाय प्रोडक्ट होता है प्रोड्यूस बाय वेस्टेज, स्क्रैप या फिर डिस्कार्डेड मटीरियल ऑफ द मेन प्रोसेस. जॉइंट प्रोडक्ट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इंसिडेंटली. जॉइंट प्रोडक्ट्स जो हैं एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली प्रोड्यूस नहीं होते, बट जो बाय प्रोडक्ट्स हैं एमर्ज इंसिडेंटली, मतलब उनका प्रोडक्शन इंसिडेंटली या एक्सीडेंटली होता है. जॉइंट प्रोडक्ट हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ सेपरेशन. मतलब जॉइंट प्रोडक्ट्स का काफ़ी सिग्निफिकेंट इफेक्ट है या इम्पैक्ट है ऑन द टोटल कॉस्ट, वेयर एज बाय प्रोडक्ट हैव लिटल इम्पैक्ट ऑन टोटल कॉस्ट, क्योंकि बाय प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो काफ़ी कम है. जॉइंट प्रोडक्ट रिक्वायर्स फर्दर प्रोसेसिंग. जॉइंट प्रोडक्ट्स को हमें फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है, वाइल द बाय प्रोडक्ट जनरली डू नॉट रिक्वायर टू बी प्रोसेस्ड एनी फर्दर. मतलब बाय प्रोडक्ट्स को हमें फर्दर प्रोसेसिंग की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर हम शुगर केन को प्रोसेस करते हैं तो हमारी जो शुगर है उसको भी हमें दोबारा से प्रोसेस करना पड़ेगा, बट जो मोलेसेस है हम उसको डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए मोलेसेस रॉ मटेरियल का काम करेगा. सो आज की हमारी क्लास यहीं तक थी. आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा.
आप प्लीज़ इसे रिवाइज कीजिए एंड आप प्लीज़ इसके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कीजिए जो हम आपको आगे प्रोवाइड कराएंगे. सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.